जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल कंटिन्यू रीडिंग दिस चैप्टर एंड इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट दिस चैप्टर। सो वी विल स्टडीइंग सोशल सिस्टम एंड इट्स प्रोमिनेंट फीचर्स। हमने ऊपर से पढ़ लिया था रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और वेट एंड मेजरमेंट के बारे में, स्वीपर्स कैसे होते, कैसे सफाई करते थे, लैंडलॉर्ड्स इन्फ्लुएंशियल पर्सनस के घर कैसे होते थे वहाँ पे, और इसके अलावा हमने इवन ये भी देख लिया था कि वहाँ पे मेन और वुमेन को कौन सी जॉब्स दी जाती थी या वो कौन सी जॉब्स करते थे। आज हमने देखना है कि वो इसी के एंड पे एक छोटा पैराग्राफ रह गया था कि उस ज़माने की जो ख़वातीन थी, वुमेन थी, वो नेकलेस भी पहनती थी, वो स्ट्रिंग्स ऑफ बीड जो मोती से बने हुए धागे में, आप समझ लीजिए हार या ब्रेसलेट की फॉर्म में होते थे, वो भी पहनती थी, प्लस बैंगल्स जिनको चूड़ियाँ आप कहते हैं वो भी पहना करती थी उस ज़माने में। और दे यूज़ टू वेयर लहंगास, चाहे आज जो आजकल भी शादियों पर पहने जाते हैं, तो उस ज़माने में भी एक लॉन्ग स्कर्ट की फॉर्म में लहंगास पहने जाते थे, एंड मेन यूज़ टू वेयर शॉल। एनी वे, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है स्क्रिप्ट। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसके बारे में हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी तक बहुत कम उनके पास नॉलेज है, इतनी रिसर्च करने के बावजूद भी, इतना आज इंसान इतना तरक्की कर गया उसके बावजूद भी ये सिंबल्स को हम लोग नहीं जान सके। चले अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द पीपल ऑफ इंडस वैली कुड रीड एंड राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो पढ़ लिख सकते थे। आज से 5000 और 6000 ईयर्स अगो वो लोग ये चीज़ें पढ़ सकते थे। देयर मोड वॉज मोड ऑफ राइटिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अगर आप इन सिम्बल्स को देखें अपने बुक के पेज नंबर 9 पे, तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड से सिम्बल्स नज़र आ रहे हैं। जैसे आजकल हम लोग ए बी सी या अलिफ बे पे यूज़ करते हैं इंग्लिश या उर्दू के अंदर, तो उस ज़माने में जो इनकी कुछ लैंग्वेज थी, क्योंकि अभी रिसर्च कर भी रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि उनकी लैंग्वेज क्या थी, बट एनी वे ये सिम्बल्स ज़रूर थे। अगर आप इन सिम्बल्स को देखें तो आपको शायद समझ ना आए ये सिम्बल्स क्या कहना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि तकरीबन इनके 400 सिम्बल्स थे। जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट 26 हैं, इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे वो तकरीबन 400 सिंबल्स हैं। और उस ज़माने में मर्चेंट, सोल्जर्स, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ इनको यूज़ करती थी, मुख्तलिफ़ जो इनके अग्रीमेंट्स हैं, या अगर आप सील्स पे देखें तो ये सिंबल्स हैं। अगर आप यहाँ पे पेज नंबर 6 के ऊपर देख सकें तो ये जो सील के ऊपर आप सिंबल्स देख रहे हैं ये वही लैंग्वेज है। और हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं और आर्कियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि अगर इन्हें ये सिंबल्स की लैंग्वेज समझ आ जाए तो शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिल जाए। अभी तक आज मतलब 2020 हो गया, अभी तक इस लैंग्वेज के बारे में हमें नहीं पता चल सका। इस लैंग्वेज के बारे में ये भी कहा जाता है कि मे बी ये जो 400 सिंबल्स हैं उसमें एक लैंग्वेज ना हो बल्कि एक से ज़्यादा लैंग्वेज हो। इसका क्या मतलब है? जैसे पाकिस्तान के अंदर उर्दू ज़बान भी बोली जाती है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, पश्तो भी है, हिंदू भी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। इसी तरह वो समझते हैं कि ये 400 सिंबल्स है वो एक लैंग्वेज की ज़रूरी नहीं है, मे बी शायद बहुत सारी लैंग्वेजेस हों जिसको मिला के फिर ये 400 सिंबल्स उन्हें मिले हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों की जो सॉइल थी वो बहुत फर्टाइल थी, ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, वहाँ पे बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं वो उगते थे। और उसकी एक मेन रीज़न यही है क्योंकि वो इंडस रिवर के साथ रहते थे, तो उन्हें वाटर का कोई मसला नहीं था, पानी आराम से उनको मिल जाता था उनके फार्म्स के लिए या उनकी क्रॉप्स के लिए। और उनकी ज़्यादातर जो पैसे कमाते थे वो ट्रेड से और एग्रीकल्चर से ही कमाते थे। और आप अगर अपनी बुक के पेज नंबर 10 पे आगे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर नज़र आएगा कि कौन से क्रॉप्स उगाते थे, उसमें वीट, मिलेट, बाले, वेचेस, पीज, इंडियन मिलेट, सीसम सीड्स, राइस, लिन सीड्स, मस्टर्ड सीड्स एंड कॉटन वर प्रोड्यूस्ड। और इसके अलावा द साइंस ऑफ डेट्स, मेलन एंड ग्रेप्स हैव आल्सो बीन फाउंड अमंग देम। अगर आप देखें तो ये तमाम चीज़ें जिसमें गंदम के गंदम आ गया, उसके बाद मटर आ गया, चावल वगैरह, ये सारी चीज़ें उस टाइम में ये उगाते थे। और ना सिर्फ ये चीज़ें बल्कि वहाँ पे जब एक्सकेवेशन की गई तो उन्हें डेट्स, खजूरें, मेलन्स, तरबूज या खरबूजा जिसको आप कहते हैं, और इसके अलावा ग्रेप्स, आपको अंगूर की वहाँ पे इनको
साइंस मिले, मतलब इनको यहाँ वहाँ पे कुछ चीज़ें मिली जिससे इनको पता चला कि शायद ये फ्रूट्स भी उगाया करते थे। और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिविलाइजेशन के बारे में, और कहते हैं इनका डाउनफॉल भी इसी वजह से हुआ था, डाउनफॉल मीन्स कि ये लोग को, इन लोगों का जो ख़त्म हो गई ये सिविलाइजेशन, उसकी एक रीज़न ये थी ये बहुत ही पीसफुल थे, ये लड़ाई करना नहीं जानते थे। अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 10 पे देखें तो ये इसकी हेडिंग है पीसफुल सोसाइटी, ये बहुत ही पीसफुल थे। इनके पास कोई प्रॉपर मतलब आर्मी या पुलिस नहीं थी, इनके तमाम जो दूसरी सिविलाइजेशंस हैं उनके साथ पीसफुल रिलेशनशिप था। अगर आप इनके वेपन्स देखें तो हमें ये पता चलेगा कि इनके वेपन्स सिर्फ हंटिंग शिकार के लिए यूज़ होते थे, ना कि ये कत्ल के लिए या दूसरी जंगों के लिए इस्तेमाल किए गए। तो इनके पास से जो भी वेपन्स मिले हैं उससे ये पता चलता है कि ये लोग पीसफुल लोग थे, जंगों में, लड़ाई झगड़े में, कत्लेआम में बिलीव नहीं करते थे। इसके बाद टॉपिक है आपका द प्रेजेंस ऑफ बुल। बुल की प्रेजेंस से एक तो ये पता चलता है कि वो उनकी ज़िंदगी में बुल और इस तरह के कैटल्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, और जब एक्सकेवेशन या खुदाई की गई साइट्स की तो वहाँ से बहुत ज़्यादा स्केलेटन और बोन्स मिली बुल की। और ये पता चलता है कि वो बुल को काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल करते थे, खेती बाड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, फार्मिंग में भी, और साथ में ये लोग इसका बुल कार्ट के तौर भी शायद यूज़ करते हैं। और इनके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट एनिमल था, इसलिए इसको ये लोग अपने सील्स या स्टैम्प्स जो होती हैं उस पर भी यूज़ किया करते थे। इसके बाद आपका टॉपिक है कमर्शियल एक्टिविटीज़ का। उस ज़माने के अंदर ट्रेड जो है वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स और मिनरल्स के हवाले से किया जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता था। सेकेंडली जो ट्रेड, जो इंटरनल ट्रेड होता था विद इन द कंट्री या विद इन द सिविलाइजेशन, वो बुल ऑफ कार्ट्स यूज़ करते थे, जो मैंने आपको बताया बुल कार्ट्स इनको हम कहते हैं, उनको यूज़ किया जाता था, बैलगाड़ी जिसको आप उर्दू में कहते हैं। सेकेंडली वेट्स के लिए, मेजरमेंट्स के लिए मुख्तलिफ स्टोन्स और क्वाड्रिलेटरल शेप की, स्क्वायर शेप की, जिनको हम क्वाड्रिलेटरल शेप कहते हैं, जिनकी फोर साइड्स होती हैं उनको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, उस तरह के स्टोन्स यूज़ किए जाते थे ताकि मेजरमेंट की जा सके। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टाउन प्लानिंग के हवाले से, कि किस तरह से घर बनाए जाते थे, उनके ड्रेनेज सिस्टम कैसे थे, उनके दीवारें कैसी थीं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उस ज़माने के आर्किटेक्चर्स बहुत समझदार थे। एक तो उन्होंने घर अपने ब्रिक से बनाए थे, ब्रिक्स ईंटों से, और जो वहाँ पे आर्टिजन्स थे वो जानते थे कि क्ले को कैसे ब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंडली जो उन्होंने घर बनाए थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस सेंस में थे कि वो खुदाई करके पहले उसकी बेस बनाया करते थे, और ये वो सारी चीज़ें हैं जो आजकल हमारे घरों में भी यूज़ होती हैं। हमारे घर ईंटों के बने हुए हैं, इसके अलावा हमारे घर की जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है। और उस ज़माने में भी इन लोगों को इतना आइडिया था कि घर के स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है। और जैसे आजकल हमारे घरों में भी अटैच वॉशरूम्स हैं, और जैसे दो स्टोरीज़ के या दो फ्लोर के, आप कह लें ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, जिस तरह से घर हैं हमारे आजकल जो हम जिन घरों में रहते हैं, इसी तरह उस ज़माने में भी उनके मोर देन वन स्टोरी एक घर में होती थी। और इवन अटैच वॉशरूम्स के साथ साथ वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, और इसके साथ साथ उन्होंने स्टोर रूम्स भी बनाए हुए थे जो आजकल हमारे घरों में भी होते हैं जिस तरह से। और उस ज़माने में भी इनके वहाँ पे प्रॉपर एक मेन रोड का कॉन्सेप्ट था, इनकी जो स्पेशल रोड्स थी, अगर आप यहाँ पे रीड करें, इट हैज़ बीन फाउंड बाय डिगिंग दैट अ स्ट्रेट रोड वाज 1 किलोमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी और 9 मीटर वाइड होती थी, जिसमें से बुल कार्ट्स और मुख्तलिफ किस्म की जो उनकी ट्रांसपोर्ट थी वो मूव की जाती थी। इनके घरों में लाइट का बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था, इन्होंने विंडोज़ बहुत अच्छी बनाई हुई थी जिससे वेंटिलेशन भी होती थी और लाइट भी आती थी। सेकेंडली अब हमारा टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम का। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा था, और ड्रेनेज सिस्टम में अगर आप देखें जिस तरह ये ड्रेन्स, इन्होंने नालियाँ बनाई हुई थी, तो उस ज़माने में ये इतने एडवांस थे कि इनको पता था कि वेस्ट मटेरियल किस तरह से वेस्ट करना है और कैसे हम ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, और उससे हमारा जो घर का वेस्ट मटेरियल है या वेस्ट है, वेस्टेज वाटर है, वो चला जाएगा। और इन्होंने, इनको ईंटों से पक्की नालियाँ बनाई हुई थी जिसके अंदर ये जो वेस्ट मटेरियल है जाता था। और सेकेंडली इनको इतनी समझ थी कि
इन्होंने नालियों के ऊपर जो बड़ी बड़ी क्ले की या मिट्टी की जो प्लेट्स हैं वो रखी होती थी ताकि स्मेल बाहर ना आए। और ये ड्रेनेज सिस्टम के हवाले से स्पेशली इंडस वैली वाले ही हिस्ट्री में मिलते हैं जिन्होंने इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था, जबकि दूसरी सिविलाइजेशन में इतना परफेक्ट और इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं पाया जाता, सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों में ये देखा गया है। इसके बाद हमारा टॉपिक है गोडाउन्स ऑफ ग्रेन्स। गोडाउन्स कहते हैं स्टोर्स को। मोहनजोदाड़ो के अंदर स्पेशली देखा गया है कि रिवर इंडस के बिल्कुल बैंक पर, विच मीन्स बिल्कुल साथ किनारे पर ही ये गोडाउन्स बने होते थे। और इससे ये पता चलता है कि ये रिवर के थ्रू ही कहीं से ये वन एरिया से दूसरे एरिया में ये सामान लेकर आया करते थे, और ये लोग बहुत सारी चीज़ उसमें स्टोर करते थे। अपने जो स्टोर्स हैं या गोडाउन्स हैं उनके अंदर क्रॉप्स भी, ग्रेन्स भी, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें स्टोर किया करते थे, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि वीट है, मिलेट है और इस तरह की बहुत सारी जो सीसम सीड्स वगैरह ये लोग ग्रो करते थे, उनको स्टोर करने के लिए गोडाउन्स को यूज़ करते थे। स्पेशली ये लोग, इन लोगों ने जो गोडाउन्स का ज़मीन थी या फर्श था या फ्लोर था वो सॉलिड फॉर्म का बनाया हुआ था ताकि जो इनकी क्रॉप्स है वो ख़राब ना हो। और ट्रांसपोर्ट के लिए भी इन्होंने प्रॉपर कंक्रीट की रोड्स बनाई हुई थी जिससे ये लोग ट्रांसपोर्ट करते थे। और इन्होंने जो अपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे उस ज़माने में, वो उनको सैलरीज दिया करते थे इन ग्रेन्स के थ्रू ही, इन ग्रेन्स से कमाकर। और उस ज़माने में इन ग्रेन्स को एज अ करेंसी भी यूज़ किया जाता था। जी, जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उस ज़माने में इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले बार्टर सिस्टम को यूज़ करते थे, और बार्टर सिस्टम ये था कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, कि एक चीज़ आपने दे दी, फॉर एग्जांपल राइस आपने दूसरे को दिया और उससे आपने शूज़ ले लिए या कोई भी खाने पीने की चीज़ या कोई आपने गुड्स उससे ले लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा पर टॉपिक है एवैक्यूएशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले या फिर इनकी सिविलाइजेशन ख़त्म हुई। कहा जाता है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले पीसफुल थे, सिविलाइज थे, डेवलप भी थे, तो दूसरी साइड से, नॉर्दर्न साइड से इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वहाँ से आर्यंस एंटर हुए। और आर्यंस ने, क्योंकि वो वॉरियर्स थे, जंगजू थे, लड़ाई करने वाले थे, लड़ने वाले थे, तो बेसिकली क्योंकि उनके पास वेपन्स भी अच्छे थे और वॉर हॉर्सेस भी थे, तो उन्होंने इन पे अटैक किया और इनको तबाह बर्बाद कर दिया। अब ये जो बात यहाँ पे बुक पे लिखी है आपके, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट इसके अलावा दो और बातें भी मानते हैं। वो कहते हैं मे बी शायद यहाँ पे आर्यंस नहीं आए थे, आर्यन से पहले ही यहाँ पे कोई तबाही हुई थी, यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आया था या कोई नेचुरल कैटास्ट्रोफी हुई थी जिसकी वजह से वो लोग इंडस वैली वाले ख़त्म हुए और उसके बाद फिर आर्यन यहाँ पर आए थे। आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी यही लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ पे नीचे पढ़ें, सम एक्सपर्ट्स थिंक दैट दिस सिविलाइजेशन हैड कम टू एन एंड ड्यू टू द नेचुरल क्लैमिटीज लाइक अर्थक्वेक एंड फ्लड्स, जो मैंने आपको पहले बताया। और सम एक्सपर्ट्स थिंक दैट द एपिडेमिक डिजीजेस प्लेड सिग्निफिकेंस रोल टू अनडू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिस तरह के आजकल एक हम पेंडेमिक और एपिडेमिक की टर्म सुन रहे हैं कोरोना के हवाले से कि सारी दुनिया में फैला हुआ है, तो इसी तरह से आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि एक रीज़न ये भी हो सकती है इनके डिक्लाइन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी डिजीज़ आई और जो इतनी ज़्यादा फैली कि सब लोगों की डेथ हो गई, जिसकी वजह से ड्रॉट हुआ, ड्रॉट मतलब खुश्क साली हुई, जिसकी वजह से क्रॉप्स ख़त्म हो गए, पानी ख़त्म हो गया, और इसी वजह से इनकी तमाम लोगों की एंड हो गया और डेथ हो गई। इसी तरह दो टाइप्स की और एक्सपर्ट्स हैं जो बिलीव करते हैं कि मे बी एक रीज़न ये भी थी क्योंकि उनके मुख्तलिफ सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड ख़त्म हो गया था, तो खाने पीने का सामान और इस तरह की चीज़ें नहीं रहीं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करते थे। और कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट और इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा काटा गया, तो वहाँ पे जो इनका इकोसिस्टम था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ और इसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। ये अब हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग, तमाम लोग, इस चैप्टर के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन याद करें और अपने जो सेपरेट रजिस्टर्स आई होप बनाए होंगे उसमें लिखे भी सही और अपने घर वालों को टेस्ट भी दें। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था BC स्टैंड्स फॉर,
दो स्टूडेंट ने ठीक जवाब दिया है, बिफोर क्राइस्ट। और मैं आपको ये समझा दूं कि ये बिफोर क्राइस्ट BC और एक AD ये होता क्या है। और मैंने आपको दूसरा सवाल भी किया था कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, हाउ ओल्ड इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम बिफोर क्राइस्ट को पहले समझें तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले, मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले, जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से पहले। अब ज़ीरो को अगर हम कंसिडर कर लें कि इस टाइम में हज़रत ईसा पैदा हुए थे, तो अगर हम उससे आगे चलना शुरू करें, 1 AD, 2 AD, 3 AD, 4 AD, 5 AD, और ऐसे करते 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 आज 2020 AD हो चुका है हज़रत ईसा के बाद। इससे पहले वाले जो साल हैं उनको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और इससे पहले किस तरह से होगा, 1 BC, 2 BC, 3 BC, 4 BC, 5 BC, करते करते सो ऑन 100 BC, और करते करते इसी तरह 3800 BC। ये वो टाइम है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुई थी। और अगर आप इस टाइम को ज़ीरो से कैलकुलेट करें, ज़ीरो से अगर आप पीछे चलना शुरू करें, तो 3800 ये वाले साल, और आगे 2020 साल ये, अगर आप दोनों को ऐड अप करें तो 5820 ईयर्स बनते हैं। इसका मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तकरीबन 5820 ईयर्स पहले की है, जिसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 5 to 6,000 ईयर्स पुरानी सिविलाइजेशन है। ये लोग उस ज़माने में रहते थे, और अगर आप सोचें तो उस ज़माने में इनके घर कैसे थे, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, ये जो हमने सारा पढ़ा, अगर आप अभी सोचें कि तकरीबन 5,500 साल पहले या 5,000 साल पहले ये लोगों की ज़िंदगी कितनी एडवांस थी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।